हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फोर डॉट कूलिंग्स के कुछ नए प्रोडक्ट जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। और इनका रिव्यू यूट्यूब पे बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपको इनका आज रिव्यू करके दिखाऊंगा कि ये आपके लिए कैसा परफॉर्मेंस करेंगे और आप इनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ फोर डॉट कूलिंग्स के जो स्पीड रेगुलेटर हैं, आप अमेजोन पे इनको देख सकते हैं। ये स्पीड रेगुलेटर हैं जिनसे आप डीसी फैंस की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके के दो स्पीड रेगुलेटर मार्केट में अवेलेबल हैं फोर डॉट कूलिंग्स के। तो इसमें जो ये छोटा वाला रेगुलेटर है, ये है लगभग 36 वोल्ट का, यानी 12 वोल्ट में 36 वोल्ट आप देखेंगे तो 3 एम्पियर तक ये मैक्सिमम आपको किसी भी फैन को आप चला के दे सकते हैं। तो इसमें अगर जो आप 3 एम्पियर फुल लोड आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके साइड में जो डीसी जैक ये लगा हुआ है, तो इस पे आपको 3 एम्पियर के अडेप्टर से आपको पावर देनी होगी, तो आपको 3 एम्पियर का आउटपुट यहाँ से निकल के देगा। अगर जो आप कम एम्पियर का अडेप्टर यूज़ करेंगे, तो आपको उसके हिसाब से ही यहाँ पे फैन लगाना होगा। अगर जो 2 एम्पियर का लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोड जो है आप इस पे 2 एम्पियर का डालेंगे, तो ये आपको सही से काम करके देगा। और ये आपको 0 से आपको फुल स्पीड तक का कंट्रोल देगा। तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे फोर डॉट कूलिंग्स के कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि रैक के जो ग्रिल फैन आते हैं, तो उस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनमें ये डीसी जैक लग के आता है और इसके साथ में इसका एक अडेप्टर आता है। तो आप इसको इसके बीच में लगा सकते हैं ताकि आप इसको पावर दे सकें और किसी स्पेसिफिक स्पीड पे आप चला सकते हैं। तो इसका जो ये आउटपुट वायर है वो आपको यहाँ पे लगाएंगे, और जो इसका इनपुट है आप उसको यहाँ पे लगाएंगे। और आप देखेंगे, यहाँ मैं पीछे दिखा रहा हूँ आपको कि आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए आपकी स्पीड यहाँ कम हो रही है। तो अभी मैंने कम कर दिया बिल्कुल, तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। तो देखेंगे बिल्कुल धीमी धीमी स्पीड में चल रहा है, और मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो स्पीड इसकी तेज होती जाती है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को आप अपने फैंस की स्पीड को कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं। और इससे ये 92 mm के फैन हैं, 80 mm के फैन हैं, और 120 mm के जो फैन हैं वो मैक्सिमम 2 फैन आप इससे चला सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा आपको कि इसका जो मैक्सिमम एम्पियर है वो 3 एम्पियर है, तो पीक लोड जो होगा 3 एम्पियर का होगा। यानी पीक लोड बोले तो आप अगर जो 5-10 सेकेंड कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसका पीक लोड 3 एम्पियर हो जाता है, तो ये उसको झेल सकता है। पर आप इसको 24 घंटे 3 एम्पियर पर ना चलाएं, ये ओवरहीट होगा। आप इसको मैक्सिमम 2.5 एम्पियर तक आप कंटिन्यू चलाइए, आप तो आपको ये 24 घंटे 7 दिन आप इसको आराम से चला सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 300 वॉट का स्पीड रेगुलेटर, ये है आपका 36 वॉट का और ये है 300 वॉट का, लगभग 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें मॉलेक्स कनेक्टर लगे हुए हैं, इस तरफ आपका मेल मॉलेक्स कनेक्टर है जो कि आपके SMPS से पावर उठा सकता है, और यहाँ से मेल जो फीमेल मॉलेक्स हैं दो यहाँ से निकले हुए हैं। तो एक जो कनेक्टर है इसका मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 150 वॉट आप इससे उठा सकते हैं और 150 वॉट इससे उठा सकते हैं। उसमें आप देखेंगे हैवी वायर लगे हुए हैं थोड़े, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा कंट्रोलर है, और इसमें आप मैक्सिमम जो है 300 वॉट तक के फैन, यानी कि अगर जो आप जो 3 एम्पियर के जो फैन हैं, जैसे कि ये वाला फैन है आपका जेट सीरीज का, तो 3 एम्पियर का फैन है, ऐसे 10 फैन आप आराम से इसमें चला सकते हो। तो मैं आपको इससे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फैन इससे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट पावर है वो इनपुट पावर भी आपकी लगभग 300 वॉट तक की होनी चाहिए ताकि ये उसको कंट्रोल कर पाए। तो ये जो कनेक्टर था ये मेरा लगभग 5 एम्पियर का है और ये लगभग 15 एम्पियर का है। तो मैं इसको अभी कनेक्ट करूँगा इससे। और मैं इससे अपने फैन कनेक्ट करूँगा। मैं आपको इसे कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी स्पीड इसकी थोड़ी कम कर रखी है, और जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये जेट सीरीज है तो आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कम स्पीड में ऐसे चल रहा है।
तो ये मैक्सिमम स्पीड है और मैं इसको फिर से कम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका स्ट्रेस टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी 300 वॉट है, तो मैं लगभग इसका मान के चलिए 70-80% इसका लोड जो है वो यूज़ करूँगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो माइनिंग रिग आपकी एक्सट्रीम माइनर की माइनिंग रिग V5 का जो फ्रेम है, जो फैन फ्रेम है, तो वो मैं आपको इससे चला के दिखाने वाला हूँ। V5 का जो फ्रेम है ये है आपका टोटल 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का एक फैन है, तो जो निकल के आता है लगभग 18 वॉट का एक फैन। तो 18 वॉट का एक फैन हो गया, तो आपके 10 फैन जो होंगे वो टोटल 180 वॉट के होंगे, यानी कि लगभग 200 वॉट। तो 200 वॉट का लोड टेस्ट मैं इस पर करके दिखाऊंगा आपको कि 200 वॉट के लोड टेस्ट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसको मैं अभी कनेक्ट करूंगा, आप देखेंगे ऊपर के 5 फैन आपके एक वायर पे हैं और नीचे के 5 फैन दूसरे वायर पे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 कनेक्टर हैं, तो मैं दोनों को इस पे लगा देता हूं। मैंने यहां पे इसको दोनों से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो फैंस की स्पीड बढ़ेगी। आप देखेंगे फैन ने रन करना स्टार्ट कर दिया और आपको हल्का सा नॉइज आपको सुनाई जरूर दे रहा है। मैं इसकी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाता हूँ। अभी मेरा एक फैन कनेक्ट नहीं हुआ है सही से, ये भी कनेक्ट हो गया। तो अभी आपको थोड़ा ठीक ठाक नॉइज सुनाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा फोन करता हूँ। ये जो फैन अभी इसमें कनेक्ट है ये आपके मॉन्स्टर सीरीज के 92 mm के मॉन्स्टर सीरीज के जो 38 mm थिकनेस में अवेलेबल होते हैं वो हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 5000 rpm और मैक्सिमम जो पावर रेटिंग है इसकी 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर है। 18 वोल्ट का एक फैन है दोस्तों, और भी चला दूँ। तो आप देखेंगे ये फैन आपके आसानी से कंट्रोल हो गए हैं। अपनी पावर का जो टोटल पावर रेटिंग है उसका 60-70% पे चल रहा है, जो कि आपका 180 वॉट है, और कोई भी हीटर कोई इशू इस तरीके का नहीं है इसके अंदर। तो ये इसलिए बहुत परफेक्ट है और ये खासकर इन चीज़ों के लिए ही बनाया गया है। तो आप इससे इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करिए और जो आपको कंफर्टेबल जो नॉइज़ या स्पीड के हिसाब से जो कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट आपको बहुत कम ही मिलेंगे और इन चीज़ों का यूज़ आप बहुत मतलब जो किसी मीडियम स्पीड में चलाना चाह रहे हैं तो वहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 4 डॉट कूलिंग्स के ये जो 2 प्रोडक्ट हैं स्पीड रेगुलेटर के कैटेगरी में, आप इनको दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं और जो आपको मैंने बताया है कि क्या क्या एप्लीकेशन और क्या क्या इनके फीचर हैं, तो उस हिसाब से आप अपना सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं।